कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन कभी कभी ये अंधा प्यार भी किसी गलत इंसान की आंखें खोल देता है। असल में प्यार अंधा नहीं होता, प्यार करने वाले अंधे होते हैं। वो सामने वाले की गलतियां नज़रअंदाज करते रहते हैं, ये सोचकर कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उनके बीच और अपने रिश्ते को बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन बस रिश्ता रहिए काफ़ी नहीं होता, उस रिश्ते में प्यार का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पूरी दुनिया से लड़कर विनीता ने तन्मय से शादी की थी। विनीता और तन्मय एक दूसरे से प्यार करते थे। उसने रिलेशन को 4 साल हो गए थे। फिर दोनों ने फैसला किया कि अब वो शादी कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी घर वालों को मनाना। तन्मय के घर पर बस उसकी मम्मी थी और एक छोटी बहन थी, तन्मय के पापा नहीं थे, तो उसके लिए थोड़ा आसान था अपनी मम्मी को मनाना। लेकिन विनीता के घर वाले इतनी आसानी से नहीं मानने वाले थे। विनीता ने हर कोशिश करके देख लिया था, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। उसके घर वाले उससे परेशान होकर ये कह दिया कि अगर तुझे उससे शादी करनी है तो कर ले, लेकिन फिर कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आना। उसने ये बात तन्मय को बताई थी। तन्मय ने कहा कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूँगा। विनीता ने बहुत सोचा इस बारे में। उसने सोचा कि अगर वो तन्मय से शादी नहीं करती है तो कल को उसके घर वाले कहीं ना कहीं उसकी शादी कर ही देंगे, लेकिन वो किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो तन्मय से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसके बिना वो रहने की सोच भी नहीं सकती थी। और अगर वो तन्मय से शादी कर लेती है तो कल को उसके घर वाले भी देखेंगे कि वो तन्मय के साथ कितने खुश है, तो शायद उसके घर वाले भी उनका रिश्ता मंजूर कर लें। तो विनीता ने फैसला किया कि वो तन्मय से शादी करेगी और अपना घर छोड़कर चली गई। अब उनकी शादी को 1 साल हो गए थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर हुआ यूँ कि तन्मय जिस इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करता था वो किसी कारण बंद हो गई और तन्मय की नौकरी चली गई। इन सब के बाद उनके घर में बहुत मुश्किल वाले दिन चल रहे थे। तन्मय दूसरी नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही थी। विनीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उससे जो पैसे आते थे तो उसी से उनका घर चलता था। तन्मय बहुत ही परेशान रहने लगा। वो रोज़ शाम को दारू पीकर घर आता था और घर में हंगामा करता था। विनीता उसे कितनी समझाती थी कि नहीं किया करो, ऐसा सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी, लेकिन तन्मय उसे डांट कर दूर कर देता था। ये सब से विनीता भी बहुत परेशान हो गई थी कि मैं अपना सब कुछ छोड़ के तन्मय से शादी की और अब ये सब हो रहा है। उसे उसके मम्मी पापा की याद आने लगी, लेकिन वो उनसे बात भी नहीं कर सकती थी। खुद घर छोड़कर जो आई थी, 1 महीना हो गया था, कुछ ठीक नहीं हो रहा था। तन्मय रोज़ दारू पी कर आता और रोज़ घर में हंगामा करता। उसकी माँ और बहन ने भी कितना समझाया उसे। विनीता भी अपने हिसाब से तन्मय के लिए नौकरी ढूंढ रही थी। एक बार विनीता ने तन्मय की नौकरी एक इलेक्ट्रिकल दुकान में लगवाई थी, लेकिन उधर उसका मन नहीं लगा और 15 दिन में ही उधर से नौकरी छोड़ दी। उस सब के बाद भी विनीता तन्मय के साथ प्यार से पेश आती। तन्मय पूरा दिन घर पर ही रहता था और विनीता पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। शाम को जब वो घर आती तो सबके लिए खाना बनाती और घर का काम करती थी। तन्मय विनीता से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। अब विनीता से जो जितना होता वह सब कुछ करती थी। बहुत दिन बीत गए थे। ऐसे ही इतने दिनों में तन्मय ने देखा था कि विनीता ने कभी भी उससे कोई शिकायत नहीं करती थी, कभी
बस चुपचाप पूरे घर का ध्यान रखती थी। ये सब देखकर तन्मय को बहुत बुरा लग रहा था। अब उसने सोचा कि शादी के बाद उसने विनीता को कोई खुशी नहीं दी, उसके भी कुछ सपने होंगे, अरमान होंगे। ये सब सोचकर एक दिन उसने विनीता से बोला कि मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, क्या तुम दे सकती हो। विनीता ने तन्मय से कुछ नहीं पूछा और अपने बचाए हुए रुपये उसने तन्मय को दे दिए, जो 20,000 थे। तन्मय अगले दिन कहीं घर से बाहर गया, किसी को बिना बताए। वो लगातार कुछ दिनों तक रोज़ कहीं जाता था। उसने घर पर किसी को नहीं बताया था कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है। और कुछ दिनों बाद घर पर उसने कहा कि कल सबको मेरे साथ कहीं चलना है। विनीता बोली, मैं नहीं जा सकती, ब्यूटी पार्लर जाना रहता है। तन्मय ने बड़े प्यार से उसे कहा कि कल ब्यूटी पार्लर बंद रहेगा और तुम मेरे साथ चलोगी। विनीता बोली, ठीक है। अगले दिन तन्मय अपनी मम्मी, बहन और पत्नी को लेकर एक दुकान पर गया। उधर उसने बताया कि उसने एक इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटा सा स्टोर खोला था, जिसमें अभी ज़्यादा सामान तो नहीं था, लेकिन स्टोर की शुरुआत करने के लिए उतना सब काफ़ी था। तो आज उस स्टोर का उद्घाटन है, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ लेकर आया हूँ। तब विनीता को समझ आ गया कि तन्मय इतने दिनों से कहाँ जाता था, क्या करता था। वो स्टोर के काम में लगा हुआ था। फिर विनीता ने पूछा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तन्मय ने बताया कि 20,000 उसने दिए थे, बाकी उसने अपने कुछ दोस्तों से उधार लिया है, धीरे धीरे उन्हें लौटा देगा। ये सब देखकर तन्मय की मम्मी, बहन और विनीता बहुत खुश हुए। विनीता को अच्छा लगा कि तन्मय अब बदल रहा है, अब वो परिवार की जिम्मेदारियों को समझ रहा है। अब तन्मय और विनीता दोनों अपने अपने में अच्छा कर रहे थे और एक साल के अंदर ही तन्मय के स्टोर की बहुत तरक्की हुई। फिर उसने सबका कर्ज लौटा दिया। विनीता के प्यार ने तन्मय को पूरी तरह बदल दिया था और अब उनका परिवार एक सुखी और खुश परिवार था। प्यार या प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं, दिल से होता है। प्यार अनेक भावनाओं, जिनमें अलग अलग विचारों का समावेश होता है, प्रेम स्नेह से लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर करता है। ये एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना जो सब भूल कर उसके साथ जाने को प्रेरित करती हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी किंगडम्स को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई नई कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।